दोस्तों वैसे तो अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म लाए हैं इन टर्म्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, और इन्हीं रिवोल्यूशन में से एक था फास्ट टैग सिस्टम, जिसने हमारे देश के टोल टैक्स कलेक्शन में हो रहे करप्शन को काफी हद तक खत्म कर दिया, और इसी रिफॉर्म ने हमारे डिजिटल इंडिया के सपने में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत था, क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों में एक ऐसा रिफॉर्म गवर्नमेंट ला रहा है जो हमारे देश की टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो रिफॉर्म आखिर है क्या और ये मौजूदा टोल टैक्स सिस्टम को कैसे रिवोल्यूशनाइज कर देगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। The government is now looking to replace the FASTag with newer technologies. And with the new system which we are going to launch, we will see that the city area will be eliminated. लेकिन अब इस समस्या का समाधान भी सरकार ने ढूंढ लिया, यानी इस चुनौती से भी हो सकता है बहुत जल्द आपको निजात मिल जाए। दोस्तों रोडवेज यानी सड़क परिवहन ने हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, जहां रोड की टोटल लंबाई 5.89 मिलियन किलोमीटर है, और इसी रोड के जरिए देश के 64.5% गुड्स और लगभग 90% पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। साथ ही वर्ल्ड का फिफ्थ लॉन्गेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट इंडिया में ही मौजूद है। दोस्तों इंडियन इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में रेलवे के बाद रोडवेज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जहां भारत के जीडीपी 4.8% सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट से ही आता है। आज हाईवेज के एक्सटेंशन के लिए गवर्नमेंट लगातार काम कर रहा है, और आने वाले दो सालों में देश के नेशनल हाईवेज को 25,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जाएगा। अब दोस्तों इतनी तेजी से किसी भी देश का रोड नेटवर्क तभी इम्प्रूव हो सकता है जब उस देश का टोल टैक्स कलेक्शन सही से हो। लेकिन कुछ साल पहले तक इंडिया का टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम बहुत बेकार हुआ करता था। इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में सिर्फ टोल प्लाजा पर हुई देरी के वजह से इंडियन इकोनॉमी को 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, और ऐसे ही नुकसान हर साल होते रहते थे। 2016 में किए जाने वाले एक सर्वे के मुताबिक रोड की दुर्दशा और टोल टैक्स कलेक्शन में देरी होने की वजह से इंडियन इकोनॉमी को 22 बिलियन का लॉस झेलना पड़ा। दोस्तों उस वक्त टोल कलेक्शन का प्रोसेस बहुत स्लो हुआ करता था, क्योंकि टोल गेट पर मैनुअली हर एक गाड़ियों की टोल कटना पड़ता था। साथ ही कोई डिजिटल रिकॉर्ड ना होने की वजह से मिडिल मैन इस पर खुलकर करप्शन करते थे, जो कि रोड से आने वाले रेवेन्यू दाता के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। दोस्तों टोल टैक्स से जनरेट होने वाले रेवेन्यू हमारे रोड नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। रोड के डैमेज पार्ट को रिपेयर करना, नए रोड का कंस्ट्रक्शन करना और मौजूदा रोड के एक्सटेंशन में इसी रेवेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इसके मैनेजमेंट में अगर कोई गड़बड़ी करता है तो इसका सीधा असर हमें रोड्स के डेवलपमेंट पर देखने को मिलता है। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार ईयर 2013 से लेकर 2016 तक टोल गेट्स पर काफी ज्यादा फ्रॉड हुए थे, और एक रिपोर्ट के मुताबिक टोल प्लाजास जिन्हें गवर्नमेंट ने बनाया था उनके रेवेन्यू डाटा तो नॉर्मल होता था, लेकिन जिन टोल प्लाजास को प्राइवेट कंपनीज ने बनाया था उनमें करप्शन बहुत ज्यादा होते थे। वहाँ एक्चुअल डाटा की जगह फेक डाटा दिखाया जाता था, और ऐसी फ्रॉड की वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। अब दोस्तों इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसे तरीके की जरूरत थी जिससे टोल टैक्स कलेक्शन में ज्यादा टाइम ना लगे और सरकार तक पहुंचने वाला टैक्स कलेक्शन डाटा एक्यूरेट हो, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया था फास्ट टैग सिस्टम। और इसने ना ही टोल टैक्स कलेक्शन की स्पीड को बढ़ाया, बल्कि गवर्नमेंट तक टैक्स कलेक्शन की रेवेन्यू डाटा एक्यूरेटली पहुंचाने लगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे फास्टैग ने टोल कलेक्शन सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। दोस्तों 15 फरवरी 2021 आज से करीब दो साल पहले देश की हर एक टोल प्लाजा के ऊपर फास्टैग का लगाना कंपलसरी कर दिया गया था। सारी की सारी तरह की गाड़ियों के अंदर फास्टैग का लगाना कंपलसरी बन गया था, और तब से कैश के द्वारा पेमेंट करना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन नहीं रहा। अब जो लोग ज्यादातर टोल प्लाजा से गुजरते नहीं है और फास्टैग के बारे में नहीं जानते, उनको मैं सिंपली बता देता कि फास्टैग आखिर क्या होता है। तो फास्टैग बेसिकली टोल कलेक्शन का एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। इसमें हर गाड़ियों के नंबर को एक कार्ड मिलता है जिससे एक बैंक अकाउंट लिंक रहता है। जब व्हीकल टोल गेट पर पहुंचता है तो उनके फास्टैग को RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन किया जाता है, और इस फास्टैग से लिंक्ड अकाउंट से टोल टैक्स का अमाउंट अपने आप डिटेक्ट हो जाता है। तो आजकल फास्टैग की वजह से हो ये रहा है कि आप जब किसी टोल प्लाजा के ऊपर से गुजरते हो तो आपको कैश देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि डायरेक्टली एक स्कैनर आपके फास्टैग को स्कैन करता है और आपके फास्टैग वॉलेट में से या फिर डायरेक्टली बैंक में से टोल के पैसे कट हो जाते हैं, और आपको ज्यादा रुकने की जरूरत भी नहीं पड़ती। दोस्तों फास्टैग के इम्प्लीमेंटेशन के एक साल के भीतर ही हमें कई बड़े ग्रोथ देखने को मिले थे इन टर्म्स ऑफ टोल टैक्स कलेक्शन। रिपोर्ट्स के अनुसार फास्टैग का इस्तेमाल 2017-18 में लगभग 16% से बढ़कर 2021-22 में 96.3% तक हो गया है, और 2017-18 के दौरान टोटल 21,948 करोड़ का
टोल टैक्स कलेक्शन किया गया था, जिसमें से फास्टैग के जरिए सिर्फ 3532 करोड़ का टोल टैक्स कलेक्शन हुआ था। वही 2021-22 में टोटल टोल कलेक्शन 34535 करोड़ में से 33274 करोड़ सिर्फ फास्टैग से ही आया था। और इसी साल जून में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक फास्टैग के कारण टोल टैक्स का डेली कलेक्शन बढ़कर 143 करोड़ पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, इस सिस्टम में भी कुछ कमियां हैं, जिसके वजह से आम लोग और गवर्नमेंट को कई सारी परेशानियां झेलना पड़ रहा है। और इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है कि फास्टैग टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने का समय आ गया है, और अभी इसका रिप्लेसमेंट होगा जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम के साथ। और आने वाले कुछ समय में इसे भी फास्टैग की तरह कंपलसरी बना दिया जाएगा, और सारे के सारे जो टोल टैक्स जो आज देश के अंदर होते हैं वो होगा सिर्फ और सिर्फ जीपीएस के जरिए। दोस्तों, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे एंड एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा है कि पूरे देश में एक साल के अंदर टोल प्लाजा को खत्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों से टोल नहीं लिया जाएगा, बल्कि टोल कलेक्शन के सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इस तरीके की टोल टैक्स कलेक्शन पिछले कई सालों से होता आ रहा है। दोस्तों, अब गवर्नमेंट इसको रिप्लेस करना चाहती है जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम के साथ। मैं यहाँ पर जीपीएस टोल कलेक्शन सिस्टम कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि नेविक का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हमारा इसरो का खुद का सैटेलाइट क्लस्टर है। अब जीपीएस सिस्टम क्या होता है, इसे जरा समझ लेते हैं। दोस्तों, करेंटली होता यह है कि हमारे देश में किसी भी हाईवे में अगर आप एंटर करते हो जो कि टोल रोड है, तो आपको उस पहले टोल प्लाजा पर पैसे देना पड़ता है जिसको आप फेस करते हो। फिर बाद में उसके आगे में भी देना पड़ सकता है अगर आप उसे फेस करोगे। और बेसिकली जब आप टोल प्लाजा के अंदर से गुजरते हो, सिर्फ उसी समय ही आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो इसके वजह से कई बार होता यह है कि हाईवे पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट होते हैं, सपोज 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर टोल प्लाजा मौजूद है, लेकिन उसके बीच में ही एंट्री और एग्जिट मौजूद है, और किसी ने रोड के अंदर एंटर किया और बाद में कुछ किलोमीटर तक ट्रेवल भी किया और बाद में टोल गेट पहुंचने से पहले ही बाहर भी निकल गया, तो चाहे उन्होंने रोड का इस्तेमाल ही क्यों ना किया हो, टोल जो है उन्हें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई टोल प्लाजा उन्होंने फेस किया ही नहीं। इसके बाद में कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, कि आपने टोल दिया और टोल देने के कुछ किलोमीटर बाद ही आपने रोड से एग्जिट ले लिया, जबकि वो टोल कलेक्शन जो हुआ था वो अगले टोल प्लाजा तक के लिए था, तो ऐसे में आपका भी नुकसान होता है। एट द सेम टाइम अगर कोई गाड़ी दूसरी तरफ से आ रहा है और उन्होंने टोल प्लाजा के जस्ट बाद में मेन रोड में एंटर किया और कुछ किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद दूसरा टोल प्लाजा के थोड़ी सी पहले ही वो मेन रोड के बाहर निकल जाते हैं, तो उसका टोल कलेक्शन का नुकसान गवर्नमेंट को होता है। और इन दिक्कतों को मिटाने के लिए जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम आने वाला है। अब ये काम कैसे करेगा, तो इसमें होगा ये कि हर गाड़ी के अंदर एक जीपीएस मॉड्यूल होगा, जो साथ साथ में कैरी करेंगे इन्फॉर्मेशन गाड़ी के नंबर के बारे में, ओनर डिटेल्स, ये सारी चीजें उसके अंदर ही एनेबल्ड होगी, और जीपीएस के द्वारा गाड़ी कौन सी समय कहां पर ट्रेवल कर रही है वो समझ में आएगा और गवर्नमेंट उसे आइडेंटिफाई कर पाएगी। इसके बाद में होगा ये कि जब भी आप अपने कार लेके या कोई भी व्हीकल लेके हाईवे पर एंटर करोगे जो कि टोल रोड है, तो उसके बाद में जितना डिस्टेंस आपकी गाड़ी फिजिकली उस रोड पे कवर करेगी वो कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आप रोड से एग्जिट करना शुरू करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में से बाहर आ जाओगे और आपका टोल कलेक्शन कैलकुलेट होना बंद हो जाएगा, और फिर उस एरिया में जो भी पर किलोमीटर के रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उस हिसाब से आपके बैंक या वॉलेट में से पैसे कट जाया करेंगे। इस पे आपका नुकसान ये है कि पहले आपको टोल गेट क्रॉस करने पर ही पैसा देना पड़ता था, जिसके वजह से बहुत से टोल गवर्नमेंट को नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब हाईवे पर आप जितना चलोगे उतने का टोल टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। अब इसमें आपका मेजर फायदा ये होगा कि जितना आप एक्चुअल में टोल रोड का इस्तेमाल करोगे आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। अभी जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम पैसा बचाएगा ऐसा कहा तो गया है, लेकिन कई सारे प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी यहाँ पर निकल कर आते हैं, और ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए भी निकल कर आते हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम में आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। फास्टैग एक RFID बेस्ड सिस्टम था, जो कि एक नॉर्मल स्टिकर के जरिए एक बहुत छोटी विदाउट एनी बैटरी विदाउट कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किटरी वाले चिप का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है, जिसको 100 से 200 रुपये में किसी भी गाड़ी में लगाया जा सकता है और इजीली आप इसे अपने हाथ से भी इंस्टॉल कर सकते थे। लेकिन जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम जो है उसके लिए अगर कोई एक्सेसरीज आती है और गवर्नमेंट उसे कंपलसरी बनाती है तो वो इतना आसान नहीं होगा इंस्टॉल करने के लिए एज कम्पेयर टू फास्टैग। उसे मोस्ट प्रोबेबली प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ेगी, और ऑलरेडी फास्टैग कई सारे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए समझना डिफिकल्ट था, और जीपीएस टोल कलेक्शन सिस्टम उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट बन सकता है। अगला जो प्रॉब्लम सामने आता है वो है बाईपास की। जिस तरीके से फास्टैग सिस्टम है, इसमें एटलीस्ट टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। अगर किसी का फास्टैग सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए
चीजें डिफाइन किया गया है। अगर टोल वालों का स्कैनर काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी चीजें मौजूद है, और अगर आपके फास्टैग में पैसे नहीं है तो भी आपको दूसरे तरीके से टोल देना ही पड़ता है। लेकिन क्योंकि जीपीएस मॉडल पर एंट्री एग्जिट के एटलीस्ट करंट डिजाइन के हिसाब से कोई गेट्स वगैरह नहीं है, तो इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई पर्सन अपने सिस्टम को डिसेबल करते हुए हाईवे से एग्जिट और एंटर करना शुरू करते हैं तो उनका कलेक्शन हो पाएगा ही नहीं। ऐसे व्हीकल्स जिनका कोई जीपीएस सिस्टम है ही नहीं वो इन चीजों को बाईपास करना शुरू कर देंगे। दोस्तों अभी फास्टैग का एडाप्टेशन फास्ट था, गवर्नमेंट को सिर्फ 3 गाइडलाइंस देनी पड़ी थी फास्टैग को कंपलसरी करने के लिए, जो इंडिया में एक बहुत बड़ी बात है कि 3 गाइडलाइंस के अंदर ऑलमोस्ट 90% एडाप्टेशन हो गया। लेकिन जीपीएस बेस्ड सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकल सकता है, जिसके वजह से इसका एडाप्टेशन में कई गुना ज्यादा समय लग सकता है कम्पेयर टू फास्टैग सिस्टम। अब दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम के अलावा एक और रिफॉर्म जिस पर काम किया जा रहा है वो है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर। फास्टैग के आने के बावजूद भी टोल प्लाजास को कैमरा टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जा सकता है। इसमें कैमरों के मदद से नंबर प्लेट को रीड किया जाएगा, जिससे व्हीकल ओनर के बैंक अकाउंट से टोल टैक्स का अमाउंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया जाएगा। दोस्तों इस सिस्टम में लोगों को अपनी गाड़ियों में अलग नंबर प्लेट लगाना होगा जो आज के नंबर प्लेट के मुकाबले थोड़ा सा अलग होगा, और अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आए तो हो सकता है कि आने वाले समय में जीपीएस सिस्टम की जगह इस सिस्टम को भी लागू कर दिया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके हिसाब से कौन सा आइडिया बेहतर है, जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम या फिर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।